नमस्कार बच्चों, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? जी हाँ, वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, प्रत्यय आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, प्रत्यय आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, ऐसे शब्द विकारी कहलाते हैं। और पता है ये कौन कौन से हैं? जी हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बच्चों, आज हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, संज्ञा के भेद जानेंगे। तो चलिए, संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद को जानने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं। संज्ञा को जानने से पहले एक बार आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। तो इस चित्र में इन सब के क्या क्या नाम हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। मोहन, लक्ष्मी, हारिका, राहुल और इनका प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम है टॉमी। यहाँ पर एक घर है, तितली दिखाई दे रही है, सूरज है, पेड़ है और इस चित्र में एक गाड़ी है जिसे हम कार कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये जो टॉमी कुत्ता है, ये राहुल को देखकर बहुत खुश हो रहा है। तो आपने इस चित्र में क्या क्या देखा? आपने देखा मोहन, लक्ष्मी, राहुल, हारिका, टॉमी, तितली, पेड़, कार, घर और खुशी। इन सब नामों के बारे में आपने जाना। तो बच्चों, आपको पता है इन नामों को हम क्या कहते हैं? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये थी संज्ञा की परिभाषा। तो चलिए हम संज्ञा के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम, पीटी उषा इत्यादि। साथ ही कुछ वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, कुर्सी, घड़ी, खिड़की। अब चलिए कुछ जीव जंतुओं के नामों को जानते हैं। हाथी, मेंढक, कबूतर, मछली। इसी तरह कुछ स्थानों के उदाहरण भी देखते हैं, जैसे चारमीनार, पाठशाला, मैदान, रेलवे स्टेशन। आइए अब हम कुछ भावों के नामों को भी जाने। बुढ़ापा, खुशी, हरियाली, उदास इत्यादि। इन नामों को हम एक बार संज्ञा के भेदों के आधार पर जाने। तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।